वेलकम टू स्टूडेंट्स, एमएससी बॉटनी फाइनल के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पेपर नाइन्थ एंड पेपर टेंथ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पेपर नाइन्थ है आपका प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन वेटलैंड्स विद एग्जाम्पल, वॉट इज सीड बैंक और जीन बैंक, गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेम ऑफ टू इंडो बर्मिस सेंटर, राइट नेम ऑफ एनी फोर मिलेट क्रॉप्स, वॉट इज NWFP, राइट एनी थ्री प्लांट कंजर्वेशन प्रिंसिपल, गिव द फुल फॉर्म एंड देयर हेड ऑफिस लोकेशन ऑफ NBPGR एंड CIMAP, रोल ऑफ रेजिन एंड टैनिन इन प्लांट्स, डिफाइन प्लांट इंट्रोडक्शन, राइट एनी टू एक्रोमेटिक प्लांट्स नेम, देयर फैमिली एंड द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम देम। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। What do you mean by primary center of biodiversity? Name some plants which are used for pollution control. What do you mean by fodder crops? Define plant biodiversity. What is orthodox seeds? Write the name of some important national parks in India. What are secondary centers of origin? Name them. Give botanical name and family of following plants: rubber, tea, cotton, gum arabic. फुल फॉर्म लिखनी है आपको, DBT, CSIR, BSI, IUCN, ICAR एंड DARE। डिफाइन एक्सटिंक्शन एंड मेंशन टू इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन। वेयर इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। नेक्स्ट है, नेम टू स्पीशीज ऑफ बैम्बूज कॉमनली फाउंड इन आर कंट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस वुड एंड लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ गुड फायर वुड। What do you mean by blended coffee? Name two species that are exported from India and earn maximum revenue for the country. Comment upon cardamom. Name any four improved varieties of mustard grown in Rajasthan. List the constituents of coconut oil. List the sources of volatile oils. Name three byproducts of sugar industry. List four improved varieties of sugarcane. Give one example each of diploid, tetraploid and hexaploid wheat. Name two largest rice producing nations of the world. Where is Malabar botanical zone is located? What are mesophilous grasslands? Give one example of each. Name any two crops that have originated in the old world. What is domestication? The Indian center of origin has been subdivided into which regions? Next is, what are food adjuncts? Now comment upon or short answers type questions देख लेते हैं, जो कि 10 marks के लिए होता है और ये भी आपके पूछे जाते हैं। इसमें first है concept of plant biodiversity, Ramsar's land, non-wood forest products, tannin and resins, adverse consequences of the green revolution, role of DBT and CSIR, wetlands, coral reefs, mangroves, national parks and botanical gardens, origin of cotton, red data list, IUCN and its role in conservation, plants for pollution control, fodder crops, timber, plant introduction, biosphere reserves, botany and uses of vegetable yields or fruits puche ja sakte aur एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल प्लांट्स। ठीक है, ये तीन जो है आपको दिए मैंने, फ्रूट्स, एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल प्लांट्स एंड वेजिटेबल ईल्ड्स। ठीक है, तो इनकी बॉटनी यूजेस का क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ टी। तो जो आपको शॉर्ट नोट दे रही हूँ बच्चों, अगर वहाँ पर आप इनकी तैयारी नहीं की होगी ना, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि आप इसमें क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे स्टार्ट करें। तो इसलिए कह रही हूँ इनके आप आंसर लिख कर रखें, अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट है राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ओरिजिन, बॉटनी, प्रोसेसिंग एंड यूजेस ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 10 इंपॉर्टेंट फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज, राइट एन एसे, ये एंड नहीं है, राइट एन एसे ऑन ओरिजिन, टाइप्स, कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। कॉटन इस बार मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉटन यहाँ पर दिया है। आप जूट भी साथ में करके जा सकते हो। वॉटर फाइबर्स, गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई मेडिसिनल प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ऑल्सो कमेंट अपॉन द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेडिसिनल प्लांट के ऊपर है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, तरीका बदल गया है। कमेंट अपॉन द हिस्ट्री बॉटनी एंड ऑब्टेंड एल्कलॉइड्स एंड यूजेस ऑफ एनी फोर मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी भी चार मेडिसिनल प्लांट्स के आपको हिस्ट्री बतानी, बॉटनी लिखनी उसकी। ठीक है, उससे कौन से एल्कलॉइड्स ऑब्टेंड किए जाते हैं और उनके यूजेस क्या ये बता रहे हैं। लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स का जो क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे भी पूछा जाता है जिसमें राजस्थान में कौन से मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, इसका आपको बताना है, उसकी हिस्ट्री है, बॉटनी है, यूजेस है, जो भी पूछा जाए। और साथ ही आपको अब मेडिसिनल प्लांट्स लिखने हैं, क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज्ड। तो जब इन क्वेश्चंस के आंसर आप तैयार करके जाएंगे ना, तो आपसे कैसे भी पूछा जाए आसानी से आप अपने आंसर को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, गिव द बोटानिकल नेम फैमिली एंड यूजेस ऑफ एनी फाइव स्पाइसेस स्टडीड बाय यू। राइट एन एसे ऑन ओरिजिन कल्टिवेशन बॉटनी एंड यूजेस ऑफ मस्टर्ड। डिस्कस द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एज प्रपोज बाय वेविलो। वेविलो ऑफ कंसेप्ट भी करके क्वेश्चन आ जाता है। कमेंट अपॉन द ओरिजिन ऑफ फोर प्लांट डाइस, देयर केमिस्ट्री एंड यूजेस। पेपर नाइन्थ के लिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन ओरिजिन बॉटनी कल्टिवेशन इम्प्रूव्ड वेराइटीज एंड यूजेस ऑफ एनी वन सीरियल प्लांट। नाउ पेपर टेंथ, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इसमें पार्ट ए में क्वेश्चन वन आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 10 questions आपके आएंगे एंड 2 marks फॉर ईच। तो इस तरह से 20 marks के लिए क्वेश्चन होता है। इसके आंसर आपको बहुत ही ब्रीफली कंसाइज वे में देने होते हैं और इंग्लिश में ही आप इसके आंसर लिखेंगे। इसमें फर्स्ट है, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, गिव एनी फोर यूजेस ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लोइड्स इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, डिफाइन आर्टिफिशियल सीड IPR, व्हाट आर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, व्हाट इज अ cDNA लाइब्रेरी, व्हाट इज द रोल ऑफ RNAs ड्यूरिंग cDNA सिंथेसिस, व्हाट इज लिंकर, हाउ इज इट यूज्ड, व्हाट इज अ प्राइमर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्राइमर। Draw the autoradiograph derived from dideoxynucleotide sequencing of, यहाँ पर एक सिक्वेंस दे रखा है। ठीक है, इसको आपको इसका autoradiograph आपको draw करना है। नेक्स्ट इसमें, व्हाट इज द DNA microarray, व्हाट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कैप्चर्ड बाय फंक्शनल प्रोटीन microarray, व्हाट इज राइजोसिक्रेशन, व्हाई इज इट यूजफुल, डिफाइन टोटिपोटेंसी, डिफाइन सरफेस स्टेरिलाइजेशन, राइट एनी 2 सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, नेम 3 सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, व्हाट इज PEG, व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोकैरियन, नेम 3 इंपॉर्टेंट फ्यूजोजन, व्हाई म्यूटेशंस कैन इजीली बी डिटेक्टेड इन हैप्लोइड्स, व्हाई हैप्लोइड्स आर सुटेबल फॉर स्टडीज ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट इज एंड्रोजेनिक हैप्लोइड्स, व्हाट इज क्लोनल प्रोपागेशन, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नेम 2 प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर्स इन इंडिया, व्हाट इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद क्रायो प्रिजर्वेशन, नेम एनी 4 क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। नेक्स्ट इसमें AFLP, व्हाट इज द रियल टाइम PCR, नेम एनी 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स, व्हाट आर ट्रांसपोजोन्स, डिफाइन जीनोमिक लाइब्रेरी, गिव द नेम ऑफ एनी 2 GMO क्रॉप्स, डिफाइन द वीर जीन, विच बैक्टीरिया नोन एज नेचुरल इंजीनियर, व्हाट इज द साइज ऑफ tDNA, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड हु डिस्कवर्ड इट, व्हाट इज बायोरिएक्टर, ब्रीफली डिस्क्राइब बायोएथिक्स, व्हाट इज जीनोम, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट फंक्शनल जीनोमिक्स, व्हाट आर एल्केलॉइड्स, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिजिकल मैपिंग ऑफ क्रोमोजोम्स, मेंशन नेम सम मॉलिकुलर मार्कर्स, एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर, यहाँ पर आपको टिश्यू कल्चर की कोई भी 2 एप्लीकेशंस लिखनी है, व्हाट इज एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कमेंट अपॉन जो कि 10 marks के लिए आपसे पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट है, डिफरेंसेस अमंग डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, आर्टिफिशियल सीड, सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, नोट ऑन सिंथेटिक सीड एप्लीकेशंस, डिस्कस अबाउट फ्यूजोजेनिक केमिकल्स, गिव एग्जांपल्स आल्सो, डिस्कस द सिलेक्शन ऑन सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, डिफरेंशिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस,
नोट ऑन यूज ऑफ होमोजाइगस डिप्लोइड्स इन क्रॉप इंप्रूवमेंट्स, नोट ऑन जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, रोल ऑफ हैप्लोइड्स इन साइटोजेनेटिक रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाट इज नीड टू कंजर्व प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जर्मप्लाज्म बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्वेश्चंस हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। इसी में आगे है, गिव एन अकाउंट ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम्स, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ रेट ए प्रोटीन, ट्रांसपोजोन्स क्लास वन एंड क्लास टू टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स, नोट ऑन बैक्टेरियोफेज एज वेक्टर, टी आई प्लाज्मिड, जीनोमिक लाइब्रेरी, राइट अबाउट एस एस आर मार्कर्स, डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोपोरेशन, नोट ऑन हीट टॉलरेंस प्लांट्स, नोट ऑन फंक्शनल जीनोमिक्स, रोल ऑफ फ्लेवोनॉइड्स एंड टर्पिनोइड्स, पेटेंट एंड कॉपीराइट, आर डी एन ए टेक्नोलॉजी। नाउ लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रही हूँ। कमेंट ऑन हिस्ट्री कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन वेरियस फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एल्केलॉइड्स एंड इट्स रोल, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड रिस्क ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड, राइट टाइप्स ऑफ डीएनए मार्कर्स एंड गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट आरएपीडी एंड एएफएलपी मार्कर, पीसीआर इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, राइट एन एसे ऑन स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्कस इन डिटेल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्रोसीजर, मेथड्स ऑफ फ्यूजन एंड एप्लीकेशंस, व्हाट इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, डिस्कस इन डिटेल, what is androgenesis, discuss factors affecting androgenesis and applications of anther and microspore culture, discuss gene cloning in detail। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 10th के लिए, पेपर 7th और पेपर 8th के क्वेश्चंस मैं इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आपको अपनी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जाम्स के बाद में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में आए हैं। पॉसिबल हो तो आप अपना क्वेश्चन पेपर भी मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।